कर रहे होंगे कि आपका फोकस पूरा क्वेश्चन पर हो जब भी आप अटैक कर रहे हैं ठीक है चलिए तो आज के हमारे क्वेश्चन है अगेन दे आर सेलेक्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन पार्ट ठीक है बायोटेक्नोलॉजी के मैंने आपको कहा था कि बायो टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में इसलिए सेलेक्ट किए हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सीरीज़ में एक एक टॉपिक को खत्म करते हुए चले तो जो भी मुझे लगता है वैसे तो हर टॉपिक ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों बट फिर भी जो भी बायोटेक के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं आज के हमारे जो दो क्वेश्चन हैं दैट इज अगेन फ्रॉम द एप्लीकेशन पार्ट यहाँ पर आपको चार स्टेटमेंट्स दिए हैं और क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट नीट में बच्चों ध्यान रखिएगा मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट्स को कि ये जो वर्ड होता है कि करेक्ट या इनकरेक्ट इस वर्ड को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और क्वेश्चन करते वक्त पूछा होता है करेक्ट और गलती से इनकरेक्ट को टेक करके आ जाते हैं तो जब भी आप नीट का पेपर सॉल्व करेंगे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का आपका तो क्वेश्चन में जो भी की वर्ड है उसको आप सर्कल कर सकते हैं या हाईलाइट कर सकते हैं जिससे आपका आपको ध्यान रहे कि क्वेश्चन किसके लिए पूछा गया है ठीक है तो इसमें जो चार स्टेटमेंट्स हैं देख लेते हैं उन्हें फर्स्ट स्टेटमेंट इज बी इन बी कॉटन इंडिकेट्स दैट इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय बायोटेक्नोलॉजी एक बार को पढ़ के आपको ये स्टेटमेंट सही लगा होगा कि जो बी टी कॉटन है वो एक जेनेटिकली प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म है बट अगर आप ध्यान से स्टेटमेंट को देखेंगे तो चलिए ठीक है एक बार मैं आपके लिए ना इस स्टेटमेंट को सही मान लेती हूँ जैसा आप नीट में सोच के क्वेश्चन करते हैं वैसा बता के मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूं तो आपने इसको सही मान लिया ठीक है अब सेकेंड स्टेटमेंट पर आप आए ट्रांसजेनिक नेपस सीड्स नेपस एप्लीकेशन में आपने पढ़ा होगा कि जो ब्रेसिका नेपस है उसमें लीच जो है हमारा जो हिरोडिन हिरोडिन एरिया जिसको आप कहते हैं वहाँ हिरोडिन प्रोड्यूसिंग जीन होते हैं लीच में तो वो आइसोलेट करके नेपस में डाला जाता है वो जीन उसे ट्रांसजेनिक बनाया जाता है और जब हमें ब्रेसिका नेपस के सीड्स मिलते हैं तो उन सीड्स में हिरोडिन प्रोड्यूसिंग जीन है तो उनमें भी हिरोडिन बनेगा उस हिरोडिन को आइसोलेट करके मेडिकली यूज़ किया जाता है कैसे यूज़ किया जाता है एज एन एंटी कोएग्यूलेंट ये तो सबको पता है ठीक है तो जो ब्रेसिकन नेपल्स के जो ट्रांसजेनिक सीड्स हैं वो एंटीकोग्यूलन थ्रोडिन प्रोड्यूस करेंगे तो ये स्टेटमेंट भी सही है तो फिर तो कन्फ्यूजन हो गया यार फर्स्ट और सेकेंड दो सही है ऐसा कैसे हो सकता है तो चलिए पहले बाकी के दो स्टेटमेंट देख लेते हैं फिर देखेंगे इन दोनों को ध्यान से बुलस आई की तरह कि कहाँ गड़बड़ है ओके तो फ्यूजन ऑफ टू कंप्लीट प्लांट सेल्स विच हैव डिजायर्ड जीन्स इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही लग रहा होगा कि मैम यहाँ पर कहा है कि दो सेल्स के फ्यूज़न जब हम करवाते हैं प्लांट सेल्स का तो उसे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इज गिवन इन द स्ट्रेटजीज जो चैप्टर है आपका एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वहाँ आपने पढ़ा है तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन नो no डाउट दो सेल्स का फ्यूजन होता था बट यहाँ मिस्टेक क्या है स्टेटमेंट में यहाँ लिखा है कंप्लीट प्लांट सेल्स जबकि आपको ध्यान होगा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कराते थे कंप्लीट प्लांट सेल नहीं प्लांट सेल का सेल वॉल डाइजेस्ट करते थे पहले फिर जो प्रोटोप्लास्ट बचता है उसका फ्यूजन कराया जाता है इसलिए इस टेक्निक को प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन भी कहते हैं ठीक है थीके? तो इस स्टेटमेंट में कंप्लीट प्लांट सेल वर्ड यूज़ किया है सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट ओके नेक्स्ट द इम्प्रूवमेंट इन टेस्ट एंड फ्लेवर सेवर टोमेटो इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इथालियन प्रोडक्शन इसमें मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर आपने फ्लेवर सेवर टोमेटो पढ़ा है ये जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं अगेन ये जो, जो ये जो तीनों एग्जाम्पल्स हैं ये आपने अदर एप्लीकेशन पढ़ी होंगी एनसीआर के नहीं है बट कॉमनली पूछे जाते हैं तो जनरली ये पढ़ाए जाते हैं ठीक है थीके? तो फ्लेवर सेवर टोमेटो में आपने पढ़ा होगा कि दे आ, इसमें टेस्ट के लिए नहीं बनाया गया फ्लेवर एवर्ड टोमेटोज अ टाइप ऑफ ट्रांसजेनिक टोमेटो जिसे क्यों प्रोड्यूस किया गया था बच्चों फॉर डिले इन राइपनिंग क्योंकि आपको पता है टोमेटोज का शेल्फ लाइफ बहुत कम होता है कम टाइम के लिए ही स्टोर कर पाते हैं उन्हें क्योंकि टोमेटोज में एक जीन होता है जो एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है पॉलीगेलेक्टोरॉनेस है ना तो ये एंजाइम अगर हम किसी भी तरह से प्लांट में टोमेटो में इनएक्टिवेट कर दें इस एंजाइम बनाने वाले जीन को तो क्या होगा पॉलिग इलेक्ट्रॉनिज बहुत धीरे बनेगा और जो टोमेटोज़ की राइपनिंग है वो डिले हो जाएगी है ना जो राइपनिंग प्रोसेस है वो हमें डिले करना है ना तो इस जीन को इनएक्टिवेट करके राइपनिंग को डिले करा जाता है इसकी वजह से टोमेटोज़ का मार्केट पीरियड बढ़ जाता है तो फ्लेवर्स ऑफ सेवर टोमेटोज से आर नॉट प्रोड्यूसड फॉर एनी इंप्रूवमेंट इन टेस्ट दे आर प्रोड्यूस्ड टू डिले इन द राइटनिंग फॉर कॉजिंग डिले इन द राइटनिंग ठीक है तो ये पूरा स्टेटमेंट गलत है इसमें लिखा है कि टेस्ट के लिए प्रोड्यूस किए गए बिकॉज ऑफ इंक्रीज इथाइलिन प्रोडक्शन वैसे भी इथाइलिन का टेस्ट से कोई रिलेशन नहीं है को पता है इथाइलिन प्लांट हॉर्मोन्स में आपने पढ़ा है इट इज रिलेटेड इट इज अ प्लांट हॉर्मोन विच हेल्प इन राइटनिंग ठीक है तो इसीलिए आपको इस तरह का स्टेटमेंट दिया कि आपको फ्लेवर सेवर में राइटनिंग याद रहता है तो थाईलिन वर्ड तो है ही तो इस तरह से ऑप्शन फ्रेम किए जाते हैं कि आप लोग कन्फ्यूज हों ठीक है बट अगर हमें हमारे कॉन्सेप्ट यकीन है हमने ढंग से पढ़ाई की है तो हम कन्फ्यूज नहीं होंगे ठीक है क्लियर तो सी और डी तो गलत हो गए अब इन दोनों में से हम देखते हैं कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए देखिए यहां लिखा है कि आ, बीटी इन बीटी कॉटन यहाँ एक छोटी सी चीज है गलती है जो अगर आपके पकड़ में आई हो तो इस इन्होंने कहा बीटी इन बीटी कॉटन इस बीटी कॉटन को ट्रांसजेनिक नहीं कहा इन्होंने कहा कि इस बीटी कॉटन में जो बीटी है बीटी कौन है है ना ये दैट इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तो क्या आपने बीटी को जेनेटिकली मॉडिफाई किया था क्या बेसिलस थ में कोई चेंज किया था क्या नहीं आपने क्रॉप में बीटी जीन जो सॉरी बीटी टॉक्सिन को बनाने वाला जो जीन है क्राइजीन वो डाला था तो यहां पर बी टी कॉटन में कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाई होता है ना कि ये जो बी टी टर्म इसमें बताया गया है ठीक है तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हुआ बिकॉज यहां कहा गया है बी टी इन बी टी कॉटन इंडिकेट दैट बी टी को कहा है इन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो कि नहीं है क्रॉप यहां पे जेनेटिकली मॉडिफाई की गई है ना कि बैक्टीरिया तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग ठीक है तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा एक ही बचता है दैट इज इज ट्रांसजेनिक सीड्स प्रोड्यूस सो दिस द करेक्ट ऑप्शन अगर आप लोगों ने जो यूट्यूब चैनल पे कल ये क्वेश्चन था हमारा पोस्टेड तो अगर उसमें बी ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है नहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई है तो थोड़ा सा उन्हें और क्लियर करिएगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हाँ जी बच्चों तो सेकेंड क्वेश्चन यहां पर है इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेक्नोलॉजी सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अ वेरी स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज इन बायोटेक दैट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आपने पढ़ रखा है इस टेक्नोलॉजी के बारे में अगर पढ़ रखा है तो इट्स गुड नहीं तो मैं यहाँ पे आपको इस टेक्नोलॉजी का बेसिक बता देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस टेक्नोलॉजी में बेसिकली होता क्या है मेमिलियन सेल्स दैट प्रोड्यूस एन एंटीबॉडी ठीक है आपको कहा है कि इस टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है शॉर्ट में क्वेश्चन में ही गिविन है कि जो मेमिलियन सेल्स होती हैं मैमल्स की सेल्स को आइसोलेट किया जाता है मैमल से और ऐसी सेल होनी चाहिए दैट प्रोड्यूस एन एंटीबॉडी और आप सभी को पता है इम्यूनिटी में कि एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स कौन सी हैं हमारी लिम्फोसाइट्स ठीक है तो यानी मैमल uh, से लिम्फोसाइट्स निकाली जाएंगी एंड दे आर फ्यूज बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से उन्हें फ्यूज़ किया जाएगा किसके साथ बच्चों ट्यूमर सेल्स के साथ ठीक है क्यों करते हैं हम देखेंगे विच केट एंडलेसली वो भी चलो यहाँ दिया है क्योंकि ट्यूमर सेल्स में आपको पता है अन लिमिटेड डिवाइड करने की पावर होती है ठीक है अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करती हैं वो इसलिए ट्यूमर सेल्स के साथ लिम्फोसाइड्स को फ्यूज किया जा रहा है ठीक है क्लियर तो क्वेश्चन आपसे पूछा है वॉट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस सेल फ्यूजन जब किसी एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल को ट्यूमर सेल के साथ फ्यूज़ किया जाता है इस टेक्नोलॉजी में तो जो रिजल्टिंग सेल होती है उसको क्या कहा जाता है ठीक है ऑप्शन डिस्कस करने से पहले इस टेक्नोलॉजी का बेसिक देख लीजिए आप लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है बच्चों एंटीबॉडीज़ तो यू you नो know, अगर एंटीबॉडीज़ एक ही तरह की एक ही सेल के क्लोन से प्रोड्यूस हो रही हैं सपोज हमने कोई एक स्पेशल सेल डेवलप की है बायोटेक की हेल्प से और वो सेल को कल्चर मीडियम पे डाल दिया है क्योंकि उस सेल में खुद को डिवाइड करने की कैपेसिटी है और वो सेल अपने ही जैसी क्लोन सेल्स बना रही हैं ठीक है थीके? तो जो ये सेल प्रोड्यूस करेगी वही ये सब भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी तो इस तरह की एंटीबॉडीज़ जो कि एक ही सेल के क्लोन सेल से ऑप्टेन की जाती हैं उन्हें कहा जाता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ठीक है ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कई सारे ट्रीटमेंट्स में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को यूज़ किया जाता है पहले समझ लीजिए क्या कैसे प्रोड्यूस किया गया इसको बहुत शॉर्ट में मुझे समझाना होगा बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट ठीक है डिटेल में डिटेल पढ़ना इसका डिटेल जाना है तो यू कैन गो टू द गो टू द लेक्चर्स ऑन आर चैनल ठीक है तो इसमें क्या होता है कि जो जिस भी डिजीज़ के अगेंस्ट हमें एंटीबॉडीज क्रिएट करनी है उस uh, के एंटीजन जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है या सपोज कैंसर में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए तो आपको पता है कैंसर सेल्स का जो के जो एंटीजेंस होते हैं वो हमारे नॉर्मल सेल्स से डिफरेंट होते हैं ठीक है थीके? तो अगर हमें कैंसर सेल्स के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी है तो जनरली यहाँ पे ट्रांसजेनिक uh, एनिमल्स को यूज़ किया जाता है जैसे मान लीजिए माउस ठीक है तो माउस में एंटीजेंस को इंजेक्ट करते हैं कौन से एंटीजन्स जो कैंसर सेल्स पे प्रेजेंट हैं ठीक है थीके? जैसे ही एंटीजेंस को माउस में इंजेक्ट करेंगे तो माउस की जो लिम्फोसाइड्स हैं वो क्या करेंगी बच्चों दे स्टार्ट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज क्योंकि माउस की बॉडी में एंटीजेंस आए तो एंटीजेंस के खिलाफ लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाएंगी और लिम्फोसाइट्स में एंटीबॉडीज बनाने की मेमोरी क्रिएट हो जाएगी तो वो जो लिम्फोसाइट्स माउस में बनी आफ्टर द इंजेक्टिंग एंटीजन स्पेसिफिक एंटीजन जो भी हमें जिसके खिलाफ एंटीबॉडीज क्रिएट करनी है उन लिम्फोसाइट्स को हम क्या करेंगे आइसोलेट करेंगे स्टार्ट प्रोड्यूस एंटीबॉडी ठीक है अभी हमें एंटीबॉडी नहीं निकाल रहे हैं, हम माउस से हम माउस से लिम्फोसाइट को ले लिया हमने ठीक है सपोज ये लिम्फोसाइट है क्लियर मेमेलियन सेल जिसे आपने कहा मेमेलियन सेल ओके देन क्या करते हैं दूसरी तरफ हम जो कैंसर सेल सबसे कॉमनली कहा मिलेंगी हमें बोन मैरो बोन मैरो को बहुत इजीली निकाला जा सकता है ठीक है तो इसलिए जनरली यहाँ पर जो बोन मैरो की सेल्स होती हैं अगर बोन मैरो कैंसर है कैंसर सेल्स ही तो लेंगे ना आप तभी तो आपके पास एंडलेस रेप्लीकेशन करने की प्रॉपर्टी आएगी सेल्स में तो बोन मैरो कैंसर को आपको पता है माइलोमा कहा जाता है पढ़ा पढ़ रखा होगा आप लोगों ने कैंसर में तो बोन मैरो कैंसर में जो माइलोमा सेल्स हैं ठीक है थीके? उनको भी ले लिया जाता है ये सपोज हमने माइलोमा सेल्स ले ली है ठीक है जिसके पास अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करने की पावर है और फिर हमने इन दोनों सेल्स का फ्यूजन करवाकर एक न्यू सेल क्रिएट कर ली ठीक है न्यू मतलब वही दोनों का फ्यूजन से जो फ्यूज सेल क्रिएट हुई और इस सेल को नाम दिया जाता है बच्चों हाइब्रिडोमा ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं इस सेल को हाइब्रिडोमा ठीक है तो आई थिंक क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल ही गया बट इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं इस टेक्निक को हाइब्रिड जैसे आप बोलते हैं ना दो चीजों के फ्यूजन से हाइब्रिड बनता है तो यहाँ पे दो डिफरेंट सेल्स के फ्यूजन से एक सेल क्रिएट की गई है दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडोमा ठीक है और फिर इस हाइब्रिडोमा को कल्चर मीडियम पे क्योंकि इसमें रेप्लीकेट करने की कैपेसिटी तो है ही जैसे प्लांट्स के मेरिस्टम में डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है क्योंकि यहाँ ट्यूमर सेल्स के जीन्स हैं सो इट इट इज एबल टू रेप्लीकेट तो ये खुद को मल्टीप्लाई करेंगी ठीक है एंड प्लस इसमें आपने जो जीन इंट्रोड्यूस करवाया है है ना मेमिलियन सेल का जीन भी तो गया उसके पास एंटीबॉडीज बनाने की कैपेसिटी है तो इट ऑल्सो फॉर्म एंटीबॉडीज ठीक है क्या कहेंगे हम इन एंटीबॉडीज को बच्चों वी कॉल्ड दैम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ठीक है और इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को एक्सट्रैक्ट करके मेडिकली यूज़ किया जाएगा कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है जिस भी टेक्निक के लिए आपने इसको डेवलप किया अगर आपने इन्हें कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यू डेवलप uh, किया है तो फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं ना बच्चों जहाँ अपने ही एंटीजेंस के खिलाफ बॉडी एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है ठीक है उस केस में भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को यूज़ किया जाता है ठीक है Uh, और भी इसके बहुत सारी एप्लीकेशन्स हैं वो हम लेक्चर में लेक्चर uh, में हमने डिस्कस किया है तो आप वो देख लीजिएगा क्लियर तो यहाँ पे आपको आपका करेक्ट ऑप्शन मिल गया है दैट इज़ हाइब्रिडोमा बट आप एक चीज़ देख रहे हैं इस क्वेश्चन में जो ऑप्शनस फ्रेम किए गए हैं वो कितने कन्फ्यूजिंग ऑप्शन हैं अगर आपको ध्यान से ये टर्म एग्जाम में याद नहीं आएगी तो आप बहुत इजीली कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि इसमें हमने लम्फोसाइड्स यूज़ की थी इस टेक्नोलॉजी में तो लिफोब्लास्टोमा बच्चों को लगेगा यार मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पढ़ा था तब लिफोब्लास्ट भी पढ़ा था हमने या माइलोमा कैंसर सेल्स यूज हो रही है माइलोमा तो माइलोमा वर्ड में भी कंफ्यूजन हो सकता है कैंसर को खुद को कार्सिनोमा कहते हैं यू नो एपिथेलियल सेल्स का जो कैंसर होता है दैट इज कॉल्ड कार्सिनोमा तो जो एपी तो यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसा भी लॉजिक लगा सकते हैं कि अच्छा ट्यूमर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो क्या पता कार्सिनोमा भी कहते हो ठीक है आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट्स कि बच्चे कहाँ कहाँ मिस्टेक करते हैं ठीक है तो आपको इस तरह की गलतियाँ नहीं करनी है और ऐसा तभी पॉसिबल है अगेन जब आपके कॉन्सेप्ट आपके टर्म्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगे ठीक है सो so यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका हाइब्रिडोमा सो दिस इज अबाउट द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड आर टूडेज सेशन वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद नेक्स्ट टू गुड क्वेश्चन टिल देन बेस्ट ऑफ लक